अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम स्टार्स के जो शेप्स होते हैं उनमें से एक होता है हाफ डायमंड, तो इसको कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि इसको किस तरह से जो है हम बाय यूजिंग फॉर लूप और अदर काइंड ऑफ लूप्स हम कैसे बनाते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ इस पर प्रैक्टिस की हुई थी तो मैं इसको बता देता हूँ, सो वी आर गोइंग टू ट्राई इट अगेन। चले, सबसे पहले आपको एक लूप डिफाइन करना है फॉर लूप। इसका वेरिएबल ए बना देते हैं जिसकी वैल्यू 1 है, और इसको कंडीशन देते हैं कि ए जब तक लेस देन और इक्वल है 10 के तब तक ए के अंदर इंक्रीमेंट होती है। सही है जी। अब इसी के अंदर एक दूसरा लूप डिफाइन करते हैं जिसका वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 1 है, और बी जब तक लेस देन और इक्वल टू ए है यानी ऊपर वाले लूप के वैल्यू तक, ठीक है जी, और बी को हम प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहां पे आके आपने नंबर ऑफ जो हमारे स्टार है वो प्रिंट कर देना है। ये ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, जिसमें से इनको कोई इश्यू है तो आप काइंडली उसको भी रिपीट कर सकते हैं, वैसे वही काम है जो यहां हो रहा है। उसके बाद यहां पे आके आपने एक ब्रेक भी कर देना है, ठीक हो गया जी। अब देखिए हो क्या रहा है। पहला वाला लूप जो भी एक वैल्यू देता है तो इनर लूप वहीं तक चलता है, सिंपल। और ये जब लूप खत्म होता है इनर लूप, तो उसके बाद हमारा एक ब्रेक करवा देता है आउटर लूप। चलिए सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इस लूप ने एक ट्रायंगल शेप प्रिंट कर दिया है, ठीक है जी। अब इसी तरह के काम हम या इसी तरह के स्टार अब रिवर्स में प्रिंट करवाना है। तो रिवर्स में प्रिंट करवाने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन विदाउट एनी ब्रेक एनीथिंग यू हैव टू कम और हेयर और डिफाइन अ वेरिएबल जिसका नाम आप सी रख दो। सी जब तक लेस देन आर इक्वल टू या इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट करवानी है तो सी की वैल्यू 10 रखो। सी जब तक बड़ा और इक्वल है 1 के तब तक सी से डिक्रीमेंट। एक चीज नोट करें कि पहला वाला लूप हमारा इंक्रीमेंट के हिसाब से बन रहा था, तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूं ताकि आप नीचे वाले लूप की जो भी आउटपुट है वो पहले देख लें। सही है। तो हमारे पास वेरिएबल सी की वैल्यू 10 है और सी जब तक बड़ा है 1 से तब तक सी से डिक्रीमेंट होती रहेगी वैल्यू। अब इसी के अंदर एक और लूप डिफाइन करते, उसके अंदर वेरिएबल डी के नाम से बना देते जिसकी वैल्यू 1 है और डी जब तक लेस देन आर इक्वल टू सी है यानी पहले लूप के वेरिएबल के वैल्यू के हिसाब से, तो आपके डी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट होती रहे। सही है जी। अब इसी लूप के अंदर हमारे पास ये रिवर्स ट्रायंगल के नाम से हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, बस इन्हीं को जोड़ना है, दैट्स इट। पहले वाले लूप्स के जो आउटपुट है वो चला के बस इसका कोड नीचे रख देना है तो ऑटोमेटिक आपका हाफ डायमंड बन जाता है। वैसे और भी तरीके होते हैं, आप दो लूप्स के हिसाब से भी हाफ डायमंड बना सकते हैं। मैंने 4 लूप यूज किए हैं, आप पूरा डायमंड जो है वो 4 लूप से भी बना सकते हैं या 8 लूप से भी बना सकते हैं। हर स्टूडेंट की एक अपनी लॉजिक होती है, मैं जिस लॉजिक को फॉलो कर रहा हूँ वो सिंपल है, ईजी है, जिसमें ज्यादा जो है वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये रिवर्स जो है हमारे स्टार्स का शेप जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये मैंने बनाया। अब देखिए आ कैसे रहे, जैसे देखें बेटा यहाँ पे सी की वैल्यू 10 है और 10 बड़ा है 1 से, यस बड़ा है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आके बोलेगा डी की वैल्यू 1 है। अब डी जब तक छोटा और इक्वल हो सी के, इसका मकसद ये है कि बेटा आपका ये वाला लूप कितने स्टार प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल आपके कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टार प्रिंट कर रहा है। अब ये 10 क्यों प्रिंट कर रहा है, जाहिर है ये इनर वाला लूप तब तक चलेगा जब तक ऊपर वाले लूप की वैल्यू है यानी सी की वैल्यू है, तो ये सी तक चलेगा, तो ये 10 स्टार प्रिंट करेगा, फिर ऊपर वाले लूप से एक डिक्रीमेंट होगा। या ऐसा समझ लें पहले लूप जब ये इसकी वैल्यू 10 थी नीचे आया तो इसको जो है कहां तक चलाना है, अब 10 तक चलाना है,
यानी ये वाला लूप इसकी एक टर्मिनेशन पॉइंट से लेकर कि तुम्हें तब तक चलना है जब तक मेरी वैल्यू है, सही है। ऐसे समझ लें कि कोई टीचर खड़ा हुआ है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको कहाँ तक चलना है या कहाँ तक, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई ट्रेनर होता है आर्मी के अंदर, वो अपने कैंडिडेट्स को बता रहा होता है कि आपको कितना डिस्टेंस जो है वो दौड़ना है या व्हाटएवर। तो बाहर वाला लूप सिर्फ और सिर्फ वो लिमिट डिसाइड कर रहा है इस अंदर वाले लूप की। अभी चलना समझ ले राउंड लगाता रहेगा, तब तक राउंड लगाता रहेगा जब तक इस लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स हुई, ऑटोमेटिक ये वाला लूप भी नहीं चलेगा। और एक चीज नोट करें कि अंदर वाला लूप जब कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद एक ब्रेक हो जाता है ऑटोमेटिक। ये स्टेटमेंट बाहर वाले लूप की है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसका आउटपुट दिखा दूं तो ये रिवर्स ट्राइंगल आपका बन चुका है। अब पहले वाले लूप जो हमारा रिवर्स ट्रायंगल नहीं था, वो हमारा नॉर्मल ट्रायंगल था। अब मैं नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे वो इस तरह से, ठीक है। अब अगर इन दोनों लूप्स को एक साथ में चला दूँ तो ऑटोमेटिक मुझे एक हाफ डायमंड मिल जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो आपको कर लेनी है। अगर आप इसको और बेहतर वे से दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या इसको दो लूप के थ्रू भी पॉसिबिलिटी है आप बना सकते हैं। हर बंदे की एक अपनी लॉजिक होती है और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बच्चे का एक लॉजिक क्रिएट करने के लिए होती हैं। लाजमी नहीं है कि अगर कोई बंदा या कोई प्रोग्रामर अगर ये लूप या ये ट्रायंगल बना ले तो वो प्रोग्रामर कहलाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता, क्योंकि इन रियल डेवलपमेंट आपकी इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती। हाँ, इसी से मिलते जुलते लॉजिक होते हैं तो उसके लिए बच्चे का माइंड रेडी हो जाता है या प्रिपेयर हो जाता है कि इस तरह की कोई लॉजिक आए तो उसको हैंडल कर सके, उसको सोच सके या अपनी लॉजिक को थोड़ा सा एनहेंस कर सके। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ और पढ़ो।